आप सभी का आईबीपीएस गुरुजी के चैनल पर स्वागत करते हैं। आज है टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। ओके, चेक करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं, वही सेम जो हमारा पार्ट वन में चल रहा था, पर एक लेवल अप के क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इसका जो लॉजिक है वो अच्छी तरह समझना। ओके चलो, क्या कह रहा है, अ पोलिसमैन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेस ए। ये आपका प्लेस ए है, ठीक है, यहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है, चलो कोई इशू नहीं, ये रहा हमारा पुलिस। अ थीफ सीज हिम फ्रॉम प्लेस बी। ओके, एक कुछ ही दूरी पर कोई प्लेस बी होगा जहां पे एक चोर खड़ा है, ओके कोई इशू नहीं है। एंड अ पार्ट एट द 400 मीटर टू प्लेस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस की जो दूरी है वो है 400 मीटर की। मतलब इन शॉर्ट कहना क्या चाहता है कि एक पुलिस वाला खड़ा है, एक चोर खड़ा है, पुलिस वाला जब यहां से देख रहा है तो वो क्या देख रहा है कि भैया 400 मीटर की दूरी पर एक चोर खड़ा है। ठीक है, व्हेन अ थीफ स्टार्ट द रनिंग, अब चोर ने पुलिस को देख लिया, चोर ने क्या देखा कि हाँ 400 मीटर पर एक पुलिस खड़ा है, तो उसने भागना चालू किया, तो वो इसी डायरेक्शन में भागेगा, अपोजिट उसके सामने तो भागेगा नहीं। ठीक है, फिर पोलिसमैन आल्सो स्टार्टेड टू चेस हिम, पोलिसमैन उसके पीछे पीछे भागने लगा, तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ा होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे कैच हो गया, पुलिस ने चोर को इस जगह पर क्या कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा। डन, समझ में आई बात। चलो अब ये क्या, देखो इसमें ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग अगर आप अच्छी तरह समझ जाते हो तो आपको कितना भी गोल घुमा लो एकदम परफेक्टली आ जाएगा, रटने का नहीं। ड्रॉइंग बनाया, डायरेक्ट आंसर, ऐसे तो रटने का होगा, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बोल दूंगा, ऐसे में ऐसा ऐसा मत करो, ड्रॉइंग बनाओ, ऑटोमेटिकली पूरा क्वेश्चन विद इन अ सेकेंडो में खत्म हो जाएगा। देखो, इफ द स्पीड ऑफ थीफ इज 16 एंड पोलिसमैन स्पीड इज 20, ओके, चोर की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके कोई इशू नहीं। डन, फिर क्या कह रहा है, एट द व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम ए पुलिस विल कैच हिम, आपको ये बताना है कि यहां से जहां से पुलिस भागना चालू कर रहा है, ए से कहां गया कर्सर, ये रहा, ए से यहां कैच तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो कोई भी इंसान हो, मैं यहां से दौड़ रहा हूं, या यूं मान लो कि पुलिस यहां से दौड़ रही है, समझा रहे अच्छी तरीके से, और चोर यहां से दौड़ रहा है, दोनों के बीच में जो दूरी होगी यही मेन मेजर फोकस होगा ना, कि अगर पुलिस ने ये दूरी कंप्लीट कर दी तो चोर के नजदीक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। जैसे कि एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं आप 10 की स्पीड से चल रहे हो और मैं 11 की स्पीड से चल रहा हूं, हम दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, तो एक घंटा मैं चला, मैंने कितना किया 11, आपने कितना किया एक घंटे के अंदर 10। ठीक है, 1 किलोमीटर यहां से कम हो गया, क्यों, 10 मैं भी चला तो 10 आप भी चले, पर मैं कितना एक्स्ट्रा चला, +1, मतलब हम दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस हो गया, 1 किलोमीटर का। अब और दूसरा घंटा चलूंगा तो मैं वापस 11 चलूंगा, आप दूसरे घंटे में कितना चलोगे, अगेन 10 चलोगे, क्लियर, तो मैं भी तो 10 चला ना, जितना दूरी आपने की उतनी दूरी मैंने भी की, पर मैंने +1 ज्यादा की, और आपके और मेरे बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला था, मतलब अब हम दोनों एकदम फिक्स पॉइंट पे आ गए, हाँ या ना, बात समझ में आई। चलो एक और बार क्लियर करते हैं, चलो कोई इशू नहीं है, इसको हम एकदम क्लियर ही कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है, वो जो समझे वही अब वापस से स्टार्ट करते हैं, कि मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ये 10 की स्पीड से हैं और ये 11 की स्पीड से हैं, ठीक है, ये 10 की स्पीड से, दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फर्क है, ये इधर भाग रहा है, मुझे इसको पकड़ना है पीछे से, ये एक घंटे में कितना चलेगा सर जी, 10 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया यहां से लेके यहां तक का, बी ने यहां से चालू किया तो एक घंटे के अंदर वो कितना चल जाएगा, 11 किलोमीटर, डन और नॉट। फिर ये वापस एक घंटा चलेगा 10 किलोमीटर,
तो कितना हो जाएगा 22, ये वापस चलेगा 1 घंटा तो कितना चलेगा 11 किलोमीटर। देखो ये भी 22 हो गया, कैच कर लिया। तो यही चीज को आपको कैसे समझना है, कि यही चीज को ऐसे समझना है कि ए और बी कभी भी फॉलो कर रहे हो, ए क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो बी को या पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको ये पता करना है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस को अगर कवर कर लिया कौन, ए, तो उतने ही टाइम में ये पकड़ा जाएगा। एग्जाम्पल अपने सामने पड़ा है, हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो बी है वो 11 का है और ए जो है वो 10 का है, ये इसको फॉलो कर रहा है, दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का फर्क है, तो आप क्या करो, दोनों का स्पीड का डिफरेंस निकाल दो। तो कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर अगर दोनों चलेंगे तो बी 1 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, बी जितना ज्यादा चलेगा उतना ये कम होता जाएगा। तो बी को 2 किलोमीटर को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट्स इक्वल्स टू टाइम, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटा। क्लियर, समझ में आई बात, हाँ या ना? तो बी को कितना लग जाएगा टोटल, 2 घंटे के बाद बी उसे पकड़ लेगा। ओके डन, समझ में आई बात, सिंपल एंड सोबर। वापस एक और बार बता देते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकालना है, और वो जो स्पीड का डिफरेंस आता है उससे आपको टाइम निकालना है। ओके बस, जो टाइम आएगा वो उतने टाइम में उसको कैच कर लेगा, कौन, जो उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है या उसे फॉलो कर रहा है। ओके तो चलिए क्वेश्चन को वापस देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, अब फटाफट हो जाएगा क्योंकि हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। हमने देखा था कि एक पुलिसमैन ए में था, ठीक है, उससे 400 मीटर की दूरी पर बी पे कौन था, एक चोर था, और ये चोर को यहाँ पे पकड़ लेगा। पुलिस की जो स्पीड थी हमारी 20 थी और चोर की स्पीड 16 थी, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, 4 किलोमीटर पर आवर का। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर है, और सॉरी स्पीड आएगा, तो स्पीड कितनी मेरी, 4 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 और ये 20, मतलब 360 सेकंड आ जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, कि जो ए से, जो पुली से इधर पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा, 360 सेकंड। अब मैं पूरी ड्राइंग क्लियर करके बताता हूँ, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे तो डायरेक्टली अभी आंसर दे सकता था, पर अपने पूरा अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर इस पूरे को अपने समझ लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। चलो दो दो तरीके से करेंगे हम ड्राइंग को। ओके चलिए, 360 सेकेंड मतलब 6 मिनट, पुलिस वाला 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो अगर 5/18 ले, 5/18 ले और उसमें उसको 360 सेकेंड दौड़ा है, ठीक है, तो 18 दुनी 36, 5 दुनी 10, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0, मतलब 2000। नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या कह रहा हूं कि पुलिस वाला जो है 20 की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, उसको मुझे 360 सेकेंड तक दौड़ाना है, तो कितना डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके तो कितना हो जाएगा, 2000 मीटर हो जाएगा, ये हमने अभी आगे सॉल्व किया, मतलब पुलिस वाला 360 सेकेंड के अंदर 2000 मीटर चलता है, मतलब पुलिस वाला चोर को 2000 सेकेंड में, सॉरी 2000 मीटर पर क्या कर लेता है, पकड़ लेता है खुद की जगह से, मतलब ए से, मतलब 2 किलोमीटर हो गया, तो ए मतलब यहां से कैच करने की जगह तक का जो डिस्टेंस होगा सर जी, वो कितना होगा, 2000 मीटर, जिसमें से 400 मीटर ये है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1600 मीटर। तो आप ये भी कह सकते हो कि चोर पुलिस से बचने के लिए कितना भागा होगा, 1600, इसका उल्टा लो, ये 15 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 16, ये 20, ये 400। देखो आंसर सेम ही आएगा, मैंने क्या बोला, 360 सेकेंड पुलिस दौड़ा,
है ना, तो उतना ही चोर भी दौड़ेगा, बस चोर की स्पीड क्या होगी कम है, तो डिस्टेंस कैसा करेगा कम करेगा। तो चलो आओ देख लेते हैं, 16 किलोमीटर पर आवर 5/18 इंटू 360, ये भी वैसे ही बनेगा। 18 दूनी 36, 20, 20 पंचे 100, देखो ये भी 1600 हो गया ना, 2000। चाहे कान यूं पकड़ो या यूं पकड़ो आंसर सेम आएगा। आपको बस क्या करना है, हमेशा टाइम निकाल लेना है, या जो भी चीज पूछिए ये चीज निकाल लिए वही दोनों के अंदर कंपेयर करके ड्राइंग को खत्म करना है। जैसे ही आपने ड्राइंग खत्म कर दी आपका आंसर जनरेट हो गया। ये चीज करने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड 20 सेकेंड, ठीक है, और ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब फटाफट करेंगे। क्या कह रहा है, एक डॉग है एक कैट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 390 मीटर का है। कैट क्या करती है, स्टार्ट करती है रन एट द स्पीड ऑफ 12, कैट की स्पीड 12 है, एंड डॉग आल्सो कैच टू हर विद द स्पीड ऑफ 25। चलो डन, अब बस बाकी जो भी लिखा है वो बाद में सोचेंगे, ड्राइंग खत्म कर लेते हैं। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 13 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा होगा सर जी पकड़ने में, 390 डिवाइडेड बाय 13 × 5/18 मीटर पर सेकेंड के लिए। ओके, 13 × 3 = 39, 5 × 6 = 30 और 18 × 6 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो 18 × 6 = 108, टोटल कितना टाइम लगेगा, 108 सेकेंड लगेगा। अब ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ये 12 की रफ्तार से 108 सेकेंड जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस किया होगा, 18 × 6 = 108, ठीक है, 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 36, 360। ओके चलो, टोटल कितना हुआ होगा, 3 × 3 = 6 और 9 × 6 = 1750, 750 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस 750 मीटर का है। ओके, 108 है। अब देखो क्या लिखा हुआ, अब जो भी पूछा है, एट व्हाट द टाइम द डॉग कॉट द कैट एंड व्हाट द डिस्टेंस डॉग कॉट द कैट फ्रॉम हर प्लेस, मतलब जो डॉग है बिल्ली को पकड़ता तो है, पर बिल्ली की जगह से बताओ कि कैच करने की जगह तक का डिस्टेंस कितना। लो जी सर, डिस्टेंस है 360। ओके, कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, तो 360 नहीं है तो नन ऑफ दिस माय आंसर। ओके, दूसरी चीज कि टाइम भी पूछा है, टाइम कितना है, 108, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, 1 मिनट हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1 मिनट ना ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट ना 60, 40 ना 48/60 मिनट, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, मतलब 1.8 मिनट। मतलब आप कह सकते हो कि पोलिस जो है, सॉरी डॉग जो है कैट को 1.8 मिनट के अंदर कैच कर लेता है, और टोटल जो डिस्टेंस होती है डॉग के थ्रू कवर की गई वो 750 है, बिल्ली के थ्रू कवर की गई डिस्टेंस कितनी है, 390, सॉरी 360 है। ओके डन, चलो नेक्स्ट। एक साइकिल है स्टार्टेड ऑन द 7:30 बजे, वही सेम क्वेश्चन, 7:30 बजे यहां से साइकिल चल रही है 10 की स्पीड से, हम मान लेते हैं ये ए है। ओके, आफ्टर 30 मिनट, मतलब चलो 8 बज गए घड़ी के अंदर, ऐसे ही चलते जाने का तो कितना, आधा घंटा, 1 घंटे में 10, तो 5 किलोमीटर ये पहुंच गया 8 बजे तक। साइकिल भी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस, उसी टाइम पे 8 बजे बी स्टार्ट करता है विद द स्पीड ऑफ 12। तो अब बी क्या देखेगा, बी ये देखेगा कि भैया 8 बजे क्या है, मेरा दोस्त ए मुझसे आगे है, हाँ या ना, सेम कुत्ता बिल्ली वाली सिस्टम बनी के मुझे उसको पीछे करना है, तो मुझे पहले ये डिस्टेंस पीछे करना होगा, मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, आराम से कट जाएगा 2.5 घंटे के अंदर, ये पूरा जो डिस्टेंस है या जो बी है वो ए को कितनी देर में कवर कर लेगा, 2.5 घंटे के अंदर, ठीक है, तो 2.5 घंटे के अंदर कर देगा। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हो गया, घड़ी में कितने बजे होंगे, 2.5 घंटे में कर देगा, तो घड़ी में 10:30 बजे होंगे, सीधी सी बात है, कंप्लीट नॉर्मल, 8 बजे चालू कर रहा है, 2.5 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो 10:30 बजे होंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग द टाइम स्टॉपेज ऑफ द बस एंड द 3 मिनट्स ऑफ द, चलो छोड़ो, एक चीज याद रखना,
एक्सक्लूडिंग वाला कोई भी स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसके लिए एक रामबाण इलाज है, ज्यादा डीपली और गहराइयों में ऐसे क्वेश्चनों में नहीं जाने का। आपको क्या करना है, स्पीड का डिफरेंस निकाल लो और जो भी बड़ी स्पीड है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है? जो आएगा आंसर टोटल टाइम ऑफ स्टॉपेज आएगा, टोटल टाइम ऑफ स्टॉपेज आएगा, बस ये इतना ही याद रखिए, ठीक है? तो एक्चुअली क्या हो जाएगा कि 1 72 है, 1 54 है, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 8 और 1 18। नीचे कितना आ जाएगा जो सबसे बड़ा है, 1/4। मतलब टोटल कितना टाइम लगा, 1/4 आवर। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 1/4 × 16 बोले तो गाड़ी सिर्फ 15 मिनट रुकी होगी टोटल, स्टॉपेज ले लेके टोटल कितना रुकी होगी, 15 मिनट। ऊपर लिखा हुआ है कि एक स्टॉप अगर लेता हूं तो 3 मिनट जाता है, तो भैया 15 स्टॉप अगर लूंगा, सॉरी 15 मिनट का होल्ड किया हुआ है तो टोटल कितने स्टॉप लूंगा, सीधी सी बात है 5 स्टॉप लूंगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 स्टॉप। ओके चलो नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। राजन एंड सुरेश आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। ओके, राजन और सुरेश पी से क्यू तक ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग एट द सर्टेन स्पीड, मतलब स्पीड हमें नहीं पता इन दोनों की। राजन टेकर 1 आवर मोर देन सुरेश। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि राजन और ये दोनों कुछ ना कुछ टाइम ले रहे हो वो भी नहीं पता, पर पहला वाला हिंट क्या कह रहा है कि राजन इससे 1 घंटा ज्यादा लेता है, मतलब ये सिस्टम। इफ राजन डबल स्पीड, अगर मैं राजन की स्पीड क्या कर दू, सेकेंड के अंदर स्पीड राजन की डबल कर दूं, 2SR कर दूं, SS तो वही रहेगा सेम, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। ही विल टेक 30 मिनट लेस, तो उससे क्या होगा, इसका टाइम ज्यादा होगा, इसका टाइम कम होगा, और दोनों के बीच में 30 मिनट बोले तो 1/2 आधे घंटे का फर्क आएगा, हाँ या ना? तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस। कंडीशनल क्वेश्चंस हमेशा इक्वेशंस थ्रू ही सॉल्व होते हैं, मतलब एक्स मान लो, वाई मान लो, इक्वेशन बनाओ। मैं कहता हूं आंसर बेस पे करिए सॉल्व, अच्छा खासा हो जाएगा। पहले वो आंसर उठाओ जो अच्छा दिखता है, ठीक है? तो हमें 20 वाला अच्छा दिख रहा है क्योंकि जल्दी हो जाएगा। क्यों? अगर राजन की स्पीड 20 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 7, तो कितना टाइम लगाया होगा, 3, तो इसने कितना टाइम लगाया होगा, 2, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30, हाँ या ना? अब ये 20 है, 20 का डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 40, तो इसने कितना टाइम लगाया होगा, 60/40 बोले तो 1.5 घंटा, डन, हाँ या ना? सीधा माइंड से बोल सकता हूँ कि सर जी 1.5 घंटा जितना लगाया होगा, 1/2 आवर, और उसने कितना लगाया सर जी, 2 घंटे, उसका तो सेम ही चल रहा है। लो जी हो गया सर, पहले बार ले मैं आंसर कंप्लीट। LHS बराबर RHS, हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन से एक स्पीड निकाल ली सभी की, और वही स्पीड सेकेंड इक्वेशन के थ्रू इसमें रखी, जिसमें राजन का कितना था, 1.5 घंटा था, और इसका कितना था, 2 घंटा, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, आधे घंटे का ही आया ना, वही तो चाहिए था। LHS बराबर RHS, वरना आपको क्या करना होता वो भी हम बात कर लेते हैं। दोनों का डिस्टेंस सेम है, ओके, तो आप अगर ये सब यूज करते हो तो 60/SS, SR, 60/SS बराबर 1, आपको ये सब करना पड़ता है जो मेरे को बहुत बेकार लगता है। कंडीशनल क्वेश्चन में आंसर उठा के करना सबसे बेस्ट तरीका है, ओके? चलो, मतलब आपको बस ये याद रखना है कि दो इक्वेशन हो गए, पहले इक्वेशन से डेटा निकाल लो और जो डेटा निकाला है वो दूसरे इक्वेशन में रखो और चेक करो क्या LHS और RHS सेम है, अगर सेम है तो वो आंसर हो गया आपका। हमने यही किया ना, पहले इक्वेशन से डेटा निकाला, सेकेंड इक्वेशन में रख दिया, ओके? चलो नेक्स्ट। द स्पीड ऑफ जयस एंड मानस। ओके, जयस और मानस 30 और 40 की है, इसकी 30 की है, इसकी 40 की स्पीड है। इनिशियली मानस जो है वो एल पर, एंड जयस जो है एट द प्लेस ऑफ एम पर। ओके, जो मानस है वो एल पर खड़ा है और ये जो है वो एम पर खड़ा है,
डिस्टेंस बिटवीन एल और एम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर है। जयेश स्टार्टेड द जर्नी 3 आवर अर्लियर देन मानस टू मीस। ओके, जो जयेश है वो 3 घंटे पहले ही चलना चालू कर देता है, मतलब ये अभी सो रहा है और ये 3 घंटे से चल रहा है, तो कितना कर दिया होगा 30 एक घंटे में, तो 3 घंटे में कितना 90। तो अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बच गया होगा, आप 650 में से 90 माइनस कर दो 0, 15 में से 9 हो गया 6, 560 किलोमीटर रह गया होगा अब इन दोनों के बीच में। अब ये भी उठ गया और ये भी उठ गया, तो अब जो ड्रॉइंग बनेगी वो ऐसी बनेगी कि सर जी 560 है, ये 30 की स्पीड है और ये कितने की है 40 की, दोनों ही उठ चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं। डन। तो इफ द टाइम इच अदर, तो प्लेस पी, अच्छा ये किसी प्लेस पी पे मिल रहे हैं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एम एंड पी एम, सॉरी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एम, पहले तो ये पता कर लो कि आखिर ये दोनों मिले कितने पर है, फिर बाद में हम बाकी का सोच लेंगे। ओके चलिए, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ये बोल सकते हो ये एक्स होगा तो इसने 560 माइनस एक्स डिस्टेंस किया होगा, ठीक है, तो वही जो जैसा हमने बताया था दोनों का टाइम कैसा होगा सेम होगा, एक्स बाय 30, 560 माइनस एक्स बाय 40, क्रॉस कर दोगे 4 और 3 7 हो जाएगा और 560 इंटू 3 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 8 3 24 मतलब ये कितना कर जाएगा 240 किलोमीटर और ये कितना कर जाएगा 20 और 320 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आई बात, हाँ या ना? ओके, ये भी 8 घंटा चलेगा, ये भी 8 घंटा चलेगा, ये भी मैंने बता देता हूँ, ठीक है डन। अब आ जाओ पूरी ड्राइंग पकड़ो वापस, ऐसे तो बनाने की जरूरत नहीं है पर क्या है समझ में आना चाहिए ना पूरा में, ये एम है ये एल है, जेस पहले ही 90 चल चुका है और पी तक पहुंचने में उसने 240 एक्स्ट्रा चला है और ये कितना चला है 320। अपने को पूछा व्हाट इज द एम और पी, मतलब 240 प्लस 90 9 4 13 329। डन, समझ में आई बात। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टू बाइक स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम वन पॉइंट एंड मूव अलोंग टू द रोड्स एंड राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल पाइथागोरस, याद रखने का ये सब, एक 36 की स्पीड से जा रहा है, एक 48 की स्पीड से जा रहा है, आफ्टर 15 सेकेंड मतलब 36 किलोमीटर पर आवर है और ये 48 किलोमीटर पर आवर है, तो 15-15 सेकेंड दोनों को चलाओ, ठीक है, तो इधर आ जाओ वापस एक और बना लेते हैं, ये 36 है 5/18 करना पड़ेगा और 15 सेकेंड चला दिया तो एक डिस्टेंस मिल जाएगा, सेम डिक्टो हियर, तीन छिंग 18, तीन पंजे 15, छह जाके 36, छह सत्ते 42, छह अट्ठे 48, पचम 25, 200 मीटर चल गया होगा, सेम डिटो ही यार, 18 दुनी 36, 15 पांच दुनी 10 और 150, ठीक है, ये 150 मीटर चल चुका होगा, ये 200 मीटर चल चुका होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, आ जाओ भैया पाइथागोरस पे, ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है, दोनों भुजाओं का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर और 200 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर प्लस 400, डन, ये कितना हो जाएगा 625 और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 250, आंसर कितना हो जाएगा दोनों के बीच में 250, ये देखो लॉजिकल है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद टू बेंगलोर इज फ्लाइट 1800, अहमदाबाद से बेंगलोर का जो है 1800 किलोमीटर का डिफरेंस है। ओके, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, अच्छा पहले कोई स्पीड पे चल रहा होगा, कोई टाइम होगा, ठीक है मान लेते हैं, तो बैड वेदर हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइम ऑफ जर्नी ऑफ बैंगलोर टू अहमदाबाद इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, मतलब अब सेम जर्नी मेरे को अगर करनी होगी यही, ठीक है, तो टाइम में क्या हो गया सर जी, डिफरेंस हो गया 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। ओके, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज 300 किलोमीटर कम, पहले एस चल रहा था तो अभी एस माइनस 300 है, अब लगाना है सर जी जुगाड़, आगे नहीं पढ़ना क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि इन्हीं में से कुछ पूछ रहा होगा तो मेरे को पहले जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि सेट कैसे करूं, ठीक है, तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि
कि सर जी मेरे पास दो थिंकिंग दी हुई है, एक स्पीड की दी हुई है डिफरेंस में, एक टाइम की दी हुई, किसी एक को पकड़ लूं। ठीक है, मैं स्पीड को पकड़ता हूं, एस वन माइनस एस टू मतलब पुरानी स्पीड और नई स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 300 किलोमीटर पर आवर होगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/2 ओवर ज्यादा। ठीक है, बराबर कितना, वही 300, 300 है, 3 × 18, 3 × 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 कॉमन ले लिया, 1/T माइनस, ओके ये इधर आ जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2T+1, डन, क्लियर और नो, चलो क्रॉस कर दो। तो 2T+1 माइनस 2T डिवाइडेड बाय टी इंटू 2T+1, 6 जो कॉमन निकाल के रखा हुआ है, 1 इधर आएगा, काट फाट के जो 1 बच रहा है। ओके चलिए, तो 2t से 2t कट गया, यहां सीधा सीधा 1 बचा है, ये हो जाएगा 2t² + t। ओके अब इन सभी को क्या करना है, अपने तरीके से अरेंज कर लेना है, इसको उठा के इधर रख दो, 2t² + t बराबर 6, तो 2t² + t - 6 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, इसको अपने फटाफट सॉल्व कर देते हैं, 2t² + t - 6 बराबर 0, ये हो गया 2 3 6, ये आपका हो गया 2, अब ये कितना हो जाएगा, 2 2 4/3, बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये है प्लस, साइन क्या हो जाती है, चेंज, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 1.5। ठीक है, तो अपने कौन सा ले सकते हैं, कभी आप बोल सकते हो कि टाइम माइनस में होगा, नेवर, टाइम क्या आएगा, 1.5 घंटा, बोले तो 3/2 आवर, ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ देम, क्योंकि उसने पूछा है यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज द वेदर एंड नॉट बैड वेदर। ओके अगर मान लो आंसर बेस पे करना हो, इसलिए मैंने एक और स्लाइड रखी थी कि S1 - S2 300 है, T1 - T2 30 मिनट है। ओके तो आंसर बेस पे करना हो तो कर सकते हो, जैसे आंसर मेरा कितना आया, 3/2, 1800 का डिस्टेंस है। ओके तो वही पकड़ो कि अगर ओरिजिनल टाइम 1.5 है तो दूसरा टाइम डुप्लीकेट टाइम कितना होगा, 2, उस मुताबिक ये कितना हो जाएगा सर जी, 2 9 18। ओके और 1.5 से करोगे तो, सॉरी डिवाइडेड बाय 1.5 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1800/1.5, मतलब ये हो जाएगा ऊपर 10 चला जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 3 6 18, बोले तो 1200, इन दोनों का डिफरेंस 300 आ रहा है, हाँ आ रहा है, कंप्लीट। अब जो भी आंसर दिया हो, कितना दिया दूसरा, 4/5, देखो 4/5 वाला तो सिस्टम में नहीं बैठता, पूछो क्यों, ये तो खुद ही 0 पॉइंट में आएगा, हाँ ये ना, तो ऐसे देखो क्वेश्चन के आंसर देखते ही ना समझ में आना चाहिए कि यार ये आंसर कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रही है बात, 3/5, 2/3, ये इनमें से कोई आंसर ऐसा नहीं है जो बनने लायक हो, क्योंकि एक फोकस होता है कि अगर 1 मिनट और 30 मिनट का डिफरेंस है तो ऐसा हो सकता है कि 1 और 1.5 हो, 1.5 और 2 हो, 2 और 2.5 हो, 3 और 5 हो, या 3 और 2.5 हो, ऐसा थोड़ी होता है कि 0.48 है उसमें 30 ऐड कर दिया, फिर बाद में 1.2 समथिंग समथिंग आ गया, ऐसा नहीं होता, ये सब बहुत 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 रेयर होता है। ओके चलो दूसरा देखो, एक मर्सिडीज है, टूरिस्ट बस इज द ओनली ड्राइवर, ये पीओ लेवल में मेंस लेवल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके स्पीड ऑफ 80, क्या कह रहा है कि एक टूरिस्ट बस है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ओनली तब जब उसमें एक ड्राइवर हो, बात समझना, एक ड्राइवर 80 की स्पीड से चलेगी, गाड़ी खाली है, एक ड्राइवर बैठा है और पूरी गाड़ी खाली पड़ी है और चल रही है, द मैक्सिमम सीट स्पीड रिड्यूसिस, अगर स्पीड जो 80 की चल रही है, ये तो चलेगी, ये मैक्सिमम होगी अभी के लिए कि एक ड्राइवर है 80 की स्पीड से चल रही है, स्पीड क्या होती है, कम होती रहती है, मतलब स्पीड रिड्यूस हो रही है, हम आर लिख देते हैं, अ क्वांटिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैसेंजर, जितने पैसेंजर बैठेंगे, मतलब पी। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया मेरा,
टर्न। अब आगे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम स्पीड इज रिड्यूस बाय 20, मतलब मैंने स्पीड कितनी रिड्यूस कर दी 20 की, तो पैसेंजर कितने थे 5 थे, तो कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई 4। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 4, अगर आप 20 की स्पीड कम कर रहे हो तो आपके पास कितने पैसेंजर होंगे 5 पैसेंजर होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात या ना? तो इंसर्ट एक और दिमाग लगाओ, ये देखो ये 20 ये भी 20 ही हो रहा है, मतलब जितनी स्पीड उतना मैक्सिमम, पर वो मल्टीपल क्या होना चाहिए इन दोनों के, हाँ या ना? तो इधर ध्यान दो, अपने को क्या कह रहा है, द मैक्सिमम पैसेंजर, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 80, माइनस क्या करूंगा km, ये 0 हो जाएगा, मतलब मेरी गाड़ी क्या हो जाएगी रुक जाएगी स्टॉप, मेरी गाड़ी क्या हो जाएगी रुक जाएगी स्टॉप हो जाएगी। ओके डन, मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा तुम नहीं बिठा सकते मालिक, ये तुम्हारा एक हद से हद मारकर इतने, ठीक है, इतने पैसेंजर तुम मेरी गाड़ी में बिठा सकते हो, तो मेरी गाड़ी क्या धीरे धीरे भी चल लेगी, पर चल लेगी, पर इससे ऊपर तुम चले गए तो मालिक मेरे यहाँ एक भी बंदा बैठ पाएगा नहीं। ठीक है, चलो के की वैल्यू तो आपको भी पता है मुझे भी पता है। अब 80 माइनस 4 इंटू एन, अपने को जीरो लाना है, अपने को गाड़ी स्टॉप ही कर देनी है, मैक्सिमम बाद में ढूंढूंगा, गाड़ी को रुका देने का, तो 20 ही रख सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, सर जी ज्यादा से ज्यादा कितने पैसेंजर आप बिठा सकते हो 20। भैया 20 पैसेंजर नहीं बिठा सकते, 20 लोग निकाले, क्यों मालिक, एक आपका ड्राइवर भी तो है, ड्राइवर भी तो एक ऐसे चला रहा है गाड़ी, तो वो भी तो एक इंसान है हमारे पास, हाँ या ना? तो टोटली मैं कितने पैसेंजर हायर कर सकता हूँ, 19 पैसेंजर ही हायर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बिठा सकता। ओके चलो, तो आई होप आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने रखे थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 10 जैसे ही क्वेश्चन आज रखे थे। ठीक है, और अगर आपके पास भी कोई अच्छे क्वेश्चन हो जो डाउटफुल हो और उस पर एक अच्छा सा वीडियो जनरेट करवाना चाहते हो, तो आप अपने क्वेश्चन हमें दे दो, हम उनको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा देंगे। ओके ठीक है, और क्वेश्चन आप कहाँ भेजोगे, आप IBPS गुरुजी टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, आप वहां पे सेंड कर दीजिए, हम उस पर आपको एक बेटर वीडियो बना देंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर। एक कम से कम हमारे पास 5 क्वेश्चन जैसी क्वेरी भी आएगी, तो हम उसका एक अच्छा सा वीडियो जनरेट करके आपके सॉल्यूशन बेटर तरीके से समझा के आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिए फेसबुक पे इंस्टा पे। ओके चलिए, जय हिंद जय भारत।